जय श्री राम महाराज जी। यहाँ पे रहते हैं क्या टाइगर वगैरह? हाँ सर, टेन भी वो रहते हैं ना। हाँ। यहाँ पे टाइगर भाई साहब रहते हैं, अगर कहीं मुलाकात हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे स्वाद चलना बहुत भारी है, देखो ऐसे करके चलना पड़ता है। यहाँ पे आवाज आई अभी, अब पता नहीं था क्या, पर हमने लगाया टेंट है यहाँ पे। तो है गाइज, हम कर रहे हैं बालाजी के ऊपर ऊपर जा रहे हैं टेंट ट्रेकिंग करने। पठार पूरा ऊपर से ना पूरा फैला हुआ है, वहीं पे नाइट कैंपिंग करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। दो संत रहते हैं ऊपर और कोई नहीं रहता है, और मंदिर है ऊपर, मतलब टाइगर वगैरह भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बोला अभी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत कोई होगा नहीं, आप अंदर रहोगे कोई मतलब परेशान करने वाला नहीं। जानवरों के पास आता है, आदमी के पास आता भी नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु जाते भी हैं। लेकिन ट्रेकिंग ये बहुत लंबी है, मतलब 1100 सीढ़ी है, यहाँ पे 1100 सीढ़ी है, और फिर आधा किलोमीटर की ट्रेकिंग मतलब, और गलियों से होकर निकल जाना पड़ेगा, जंगल से होके। तो ठीक है चलते हैं, लेट्स गो। वजन है हमारे पास 30-40 किलो, दो बैग है और एक बड़ा सा लगेज है, पूरा सामान लेके जा रहे हैं ना। तो गाइज पहली सीढ़ी हमने तैयार हो गई है, जय बालाजी की। अभी तो थोड़े ऊपर आए हैं और पीछे मेरे देख सकते हो आप खाइयां हैं। तो आप बालाजी के तकड़े वाला भगत ना ठोको सब्सक्राइब और लाइक दबा के। ये थोड़ली गांव यहाँ से ऊपर इतना दिख रहा है, ज्यादा नहीं है, अभी तो 300-400 सीढ़ी चढ़े हैं। अभी हम जो जा रहे हैं ना वो गढ़ के बालाजी है, गढ़ के बालाजी मतलब टोडा रायमल जी का गढ़ था यहाँ पे। ओ भाई साहब सीढ़ी नहीं है यहाँ पे, तो ये पाइप की नलकी गई है ऊपर, इतना तो पक्का है, और एक लाइट की गई है, लाइट मिल जाएगी और पता नहीं। नीचे खाई है खतरनाक वाली, और ये है ट्रिक। ओहो और ऐसा कुछ जाना पड़ रहा है, ये सामान लेके भारी काम हो गया, पिट्ठू बैग से कोई दिक्कत नहीं है। पसीना देख रहे हो, बुरे हाल हो गए भाई के, सीढ़ियाँ नहीं है यार, ट्रैक कैसे करें, यहाँ तक थी सीढ़ियाँ, नीचे खाई है और यहाँ तक सीढ़ियाँ थी, अब कहीं है ही नहीं कुछ। ओ भाई साहब अब पिट्ठू बैग से निकल जाएंगे, ये गली है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बैग को कैसे लेके जाएंगे। चलो अब ले जाना तो पड़ेगा ना, अभी तो 600 सीढ़ी बोल रहे हैं, आगे ओम लिखा आया ना, ये ओम आ गया ना, तो बोले ओम आएगा तब तक 600 सीढ़ी हो जाएगी आपकी। 600 सीढ़ी कंप्लीट कर दी भाई साहब, ट्रैक खतरनाक वाला है, हालत ख़राब हो रही है, लेकिन व्यूज़ इतने मस्त हैं, कसम से मज़ा आ रहा है, व्यूज़ खतरनाक है। कैसे अभी के भैया आ रहा स्वाद, दंडवत निवेदन कर रहा है, बोला नीचे चलो थक गया हूँ ऐसे बोल रहा है, अब नीचे तो नहीं लेके जाऊंगा इसको मैं ऊपर, कोई बात नहीं चलते हैं। गाय जी यहाँ तक तो आ गए, आगे कुछ सीढ़ी रास्ता कुछ नहीं है यार, हुँ? ना तो इधर है कोई, मतलब सीढ़ी यहाँ तक आई है, कड़ा है रस्तों, कड़ा है रस्तों नहीं है भाई, अपन पगडंडी गयो, पगडंडी है ऐसी, पगडंडी तो बहुत है, निशान होगा कोई, देखो श्रीराम लिखा हुआ बोला था, कहीं लिखा होगा श्रीराम ओम, कहीं भी लिखा होगा ना, देख तो नहीं है भाई, रास्ता नहीं है यार, सीढ़ी है कि ऊपर डांडी पड़ी, गाइस डांडी डांडी पड़ी है। ओ भाई साहब कहाँ है, हाँ ये है ना, ओहो ये पत्थर है, ये लकड़ी, ये किसी पेड़ की लकड़ी लग रही है, ये देखो ये देखिए लकड़ी लग रही है, देखिए है पत्थर, देख लीजिए गाइस, ऐसे कुछ शॉट लेते हैं हम, ऐसे कुछ मेहनत होती है हमारी, वैसे आप सब्सक्राइब कर दिया करो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Guys, हम आ गए गलत जगह, कहने का मतलब हमें दिखी ये पगडंडी, ठीक है हम पगडंडी से आ गए और सीढ़ियां रह गई उधर अभी मजा हो गया, वापिस जाना पड़ेगा घूम के, वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे कुंड बना हुआ है, उन्होंने बोला था कुंड आएगा ना तब 600 सीढ़ी होगी, तो कुंड के पास 600, अभी तक 500 और पड़ी है, 1100 सीढ़ी टोटल, तो वहाँ से होके जा रही है सीढ़ी, वो वहाँ जा रही है, चलो कोई बात नहीं वापस जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं देखा जाएगा। यहाँ पे टाइगर भाई साहब रहते हैं, अगर कहीं मुलाकात हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बट उन्होंने बोला अगर मतलब यहाँ सीधे सामने नहीं आते, रात को फिरते हैं, बाकी यहाँ सामने आते ही नहीं है,
कोई बात नहीं, मुलाकात होगी तब देखा जाएगा। तब क्या देखा जाएगा, वीडियो नहीं आएगा, वीडियो आएगा तो मतलब कुछ नहीं हुआ। तो गाइस ये है वो टांका पानी का, अब पहुंचे यहाँ पे, 600 सीढ़ी अब कवर हो गई, अब 400 हो रहेगी, 400 नहीं 500 सीढ़ी और रहेगी, फिर चलते हैं थोड़ा पानी भर लेते हैं, पानी की व्यवस्था ठीक है, ये तो अच्छा, हमारी बोतल पूरी खाली हो गई, पानी भरते हैं और फिर निकलते हैं आगे। और गाइस कोहरा ही कोहरा है, और ये कुछ सीढ़ियां आप देख सकते हो, भाई साहब सीधी खड़ी सीढ़ियां हैं, फिर से सीढ़ियां खत्म हो गई और फिर टूटा हुआ भाग आ गया। ये सीढ़ियां पता नहीं नीचे थी, पता नहीं यार कैसे ऐसे पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से चलना ना बहुत भारी होता है यार, यहाँ से चलना बहुत भारी है, देखो ऐसे करके चलना पड़ता है, ट्रैकिंग का मजा आ रहा है ना हमें तो आ ही रहा है, आपको तगड़ा वाला आ रहा है। गाइस सूरज भगवान को देख रहे हो, थोड़े से बच्चे हमें समुद्र में उतरने वाले हैं, और नीचे हमें बोला गया था कि अंधेरा पड़ने से पहले बार ऊपर चले जाना और बाद में नीचे बाहर मत निकलना, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ बाहर फिर शाम होते बाहर घूमने लग जाते हैं, दिन में आएंगे नहीं आपके सामने, तो थोड़ा सा रह गया, दीवारें आ गई ना अब पहुँचने वाले हैं, चलो चलते हैं अब कर देते हैं पूरा, हालत खराब हो गई यार, पर मज़ा बहुत आ रहा कसम से, लोकेशन का देख के मज़ा आ रहा, नहीं तो नहीं आता। और सामने हो ऐसा समुंदर है, तो ये मतलब समुंदर नहीं है डैम है, लेकिन फिर भी समुंदर का सा लुक आ रहा है, देखो अब सूरज भगवान को देखो आ रहा मज़ा। सीढ़ियाँ गाइज खत्म हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है राम, और आगे फिर 1 किलोमीटर है ना, वो बट लिख लो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और रह गया, और ऐसा कुछ मेरे पीछे जंगल है, हालत ख़राब हो रही है, अब जंगल वाला फील हो रहा है, जैसे जैसे धूप मतलब सूरज भगवान जा रहे नीचे और छाया वगैरह हो रही ना, ज़्यादा अंधेरा होना होने को है, डर लग रहा है कहीं मुँह निकाले हुए छिपा हुआ हो, और फिर तेरा 1 किलोमीटर ट्रैक और रह गया, अब ये पूरा ट्रैक है मतलब सीढ़ियाँ खत्म हो गई, हमें नीचे बोला था राम के नाम लिखवाएंगे तब सीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी ट्रैक होगा, और ट्रैक है वो ऐसा, ये देखो निशान किए हुए हैं, क्यों वैसे पता भी नहीं चलता ना, निशान किए हुए राम ओम लिखे हुए नाम, और ऐसा कुछ है, और हम भाई भाई जा रहे हैं ऐसे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि राम लिखा हुआ है, ये देखिए राम, अब राम राम करते चले जाएंगे, जय श्री राम करते चले जाएंगे ना, कैसे भी करे मजा आ रहा है, तगड़ा वाला मजा भी आ रहा है, और हालत भी टाइट है, अभी झरना चला हुआ है नीचे, कोई टाइगर वगैरह होगा तो भी अपने पास नहीं आएगा, उन्होंने बोला दिन में कोई नहीं आता यहाँ पे, जो होगा वो दूर भी रहेगा, अभी पहुंच जाए फिर टेंशन खत्म यार, क्योंकि रात पड़ने वाली है अभी। ओ भाई साहब ओ हो आगे लुक बड़ा खतरनाक वाला है, तीर के निशान लगे हुए हैं, अभी ऐसे डायरेक्शन मिलेंगे आपको, मस्त वाला ट्रैक तो अभी चालू है, अभी तो 1100 सीढ़ियाँ निकाली है, ये देखिए हाँ ये देखिए ये जा रहा है ना, ये ट्रैक है, और ऐसा कुछ है पठार ऊपर से, ये देखिए भाई साहब गजब खतरनाक वाला मजा आ रहा है, कैसे बढ़िया 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 जोरदार। अभी टाइगर भाई साहब से अगर सामना हो गया ना, आपको पता है टाइगर भाई साहब सीधा गले पे हाथ डालते हैं और ऐसे लेके जा रहे हैं, आप देखो 1.25 किलोमीटर और पड़ा अभी तक, ट्रैकिंग में मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा, हमें साथ तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब। यहाँ पे आवाज आई अभी, अब पता नहीं था क्या लेकिन आवाज खतरनाक आई थी, धीरे 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 लाइव लाइव रख लाइव रख, दिखा कुछ नहीं, बस आवाज भागने की आवाज आई, भाई अब रास्ता और बुलाऊंगा, मन ठगा रास्ता ही बुलाऊंगा, दीवार तो आ गई यार, कट्ठे मंदिर कट्ठे, अब तो भाई सब दिखे सगड़ा जानवर जानवर दिखे, नीचे गाइस हम इसको मजाक में ले रहे थे, कटहल में ऐसी हवा को देख लेंगे, अभी यहाँ पे गाइस हालत खराब हो रही है, देखो
हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी भाई साहब, वो आवाज़ आने के बाद हमारी तो पतली हो गई पूरी। ओ भाई दीवार दीवार तो ख़त्म हो गई, और ऐसा जंगल है भाई साहब, अब डर लग रहा है। कसम से दिन था ना तब तो डर नहीं लगा, अब तो अंदर से कम कम भी छूट रखी है। ओ भाई साहब हरियाली तो है नहीं, मंदिर कटी होना चाहिए। फोन करो बंदर जल्दी पग ले, जल्दी पड़ी रात थोड़ी, अब तो हालत खराब है भाई साहब, दिख ही नहीं रहा है मंदिर तो आसपास से नहीं दिख रहा है। बस ये पाइपलाइन जा रही है, ये देख लीजिए ये पाइपलाइन के सारे सारे जा रहे हैं। हिरण होगा शायद वो, क्योंकि बहुत स्पीड से भागा था, आवाज़ फुल स्पीड से भागा था, हिरण था। हिरण भी क्यों भागेगा यार, कुछ होगा तभी भागेगा ना। सांबर बहुत है यहाँ पे, सब सुबह हम सो रहे थे ना तभी आवाज़ आ रही थी सांबर की, हमने उनसे पूछा को क्या मतलब आवाज़ किसकी है, तो बोले सांबर है, सांबर बहुत है। बस खाने वाले जानवर ना है, बाकी तो हम स्वभाव पड़ चुके हैं, नीलगाय हिरण मृग सब हमारे साइड बहुत है भाई। अब तो भाई साहब आ तो गए, आ गए लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, हमारे पास कुछ साधन भी नहीं है ना, खाली आते हैं। वैसे ऐसे ट्रेकिंग करते हैं लोग तो वो क्या साधन रखते हैं पास में, कोई लाड़ी वगैरह रखते हैं पास में, हम तो कुछ नहीं ले गए बिना कुछ हथियार के आए हैं, हथियार रखना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होगी तभी हमें वो कहीं अक्ल आएगी, अगर आज बच गए तो अक्ल आएगी। ओ भाई साहब हमने पूरा पर्वत ही पार कर दिया, ओ हो ये तो दूसरी साइड आ गए हम पूरा पर्वत पार करके, ये देखो लेकिन मंदिर आए नहीं, इतना कितना दूर है यार। और वहाँ पे अगर रहने की परमिशन ना मिली तो गए काम से, फिर तो हमें ज़बरदस्ती रहना पड़ेगा है ना, कैसे कैसे करके उनको मनाना ही पड़ेगा। ओ भाई हमारे पास सामान है ना यार, मेन तो ये सामान है ना, ये सामान हमें दिक्कत कर रहा है, ट्रेकिंग में ये दिक्कत हो जाती है। मैं लेके आता ना वो बड़ा वाला बैग ट्रेवलिंग वाला, वो घर पे छोड़ा है, वो अभी काम आता मेरे, जरूरी जरूरी सामान ले आते बाकी छोड़ाते। ओ भाई साहब मंदिर आ गया सामने, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, मंदिर आ गया फाइनली गाइज, पहुँच गए मंदिर पे। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, ये श्री बालाजी का द्वार है, और ये किला भी हो सकता है क्यों किले टाइप का लग रहा है, हाँ यही होगा किला भी, किले का लुक भी आ रहा है ना, ये देखो। चलते अब तो मंदिर में आ गए, अब डर कम हुआ है, देखो रात पड़ गई है। यहाँ पे मंदिर में कोई रहता नहीं है अभी तक, मतलब पुजारी जी साइड में रहते हैं, संत लोग हैं सामने, आप देख सकते हो पूरा मंदिर। अभी वो कुटिया ढूंढनी है जहाँ पे महाराज जी रहते हैं, ढूंढते हैं 200 मीटर आसपास बताते हैं, पता नहीं कहाँ पे है। हमारे गैजेट पूरे डिस्चार्ज हो चुके हैं, लाइट भी नहीं होगी, और यहाँ पे तो यार जानवर आ सकते हैं अंदर है ना, ये ज़्यादा हाइट भी नहीं है। महाराज जी से पूछ के वैसे ही रहेंगे, छत छुत पे कहीं रहेंगे। फाइनली गाइज पहुँच गए हैं, और पास में ही है कुटिया महाराज जी की, ज़्यादा दूर नहीं है एकदम पास में ही है, तो अब टेंशन नहीं है, अब मन शांत हो गया यार। नहीं तो ना पीछे आवाज़ आई ना, पता नहीं सांबर था हिरण था क्या था पता नहीं, हालत ख़राब हो गई थी एकदम, पूरे घबरा गए थे, पसीने छूट गए थे एक बार की तो। लेकिन अब टेंशन करते हैं, अब पहुँच गए, अब तो अंदर घुस जाएंगे, कुछ होगा तो भी टेंशन नहीं है। चलो महाराज जी से पहले बात करते हैं, खाना वाना बनाने की कोई जगह ढूंढते हैं, फिर कोई काम सेटअप देखते हैं अपना, कहाँ टेंट लगाना कहाँ नहीं है ना। इस छत पे लगा लेंगे, या तो महाराज जी की छत पे लगा लेंगे या फिर मंदिर की छत पे लगा लेंगे, लेकिन लोकेशन गजब वाले लगाएंगे, ऐसे वैसे नहीं लगाएंगे। अब तो कलेजा होने लग गया, वहाँ तो डर लग रहा था वहाँ तो मैंने सोचा था अंदर घुसना पड़ेगा कहीं भी, लेकिन यहाँ आते हुए धीरे धीरे संतों के वास में आ गए ना। तो गाइस यहाँ पे तो कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, पूरा बंद है, तो मुझे लगता है ये संत यहाँ नहीं रहते हैं शायद। आगे आवाज़ आ रही है, संत भजन बोल रहे हैं ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है, तो हमें लगता है आगे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं अब तो चल लेंगे, अब डर ख़त्म हो गया ना, यहीं कहीं भी घुस सकते हैं। अरे भाई साहब टाइगर भाई साहब आ गए ना, तो छलांग लगे अंदर घुस जाएंगे, डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। हरी हरी बोले, भजन गा रहे हैं संत महाराज, तो चलते हैं वहीं पे, सामने वहाँ है देख रहे हो। अब मज़ेदार आ रहा है, अब तो मस्त आ गया कसम से, लोकेशन मस्त लग रही है अब तो। तो गाइज यहाँ पे रहते हैं साधु महाराज, थोड़े से आगे हैं, वहाँ पे आने वाले यार शर्म आने लग जाए, साधु महाराज होते हैं ना वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे, मतलब वो फील आने लग जाती है भगवान वाली, मन में शांति सब कुछ ऐसा कुछ फील होने लग जाता है। और इससे जंगल में यार कैसे रहते हैं साधु महाराज है ना, सुबह हम गए थे ना वहाँ, मतलब
डैम के पास साधुमरा सुबह हम गए थे ना, तो वहाँ भी साधुमरा अलग मतलब अकेले रहते थे। हमने पूछा, वो अंधे थे, और हमने पूछा तो टाइगर वगैरह आते हैं, तो हाँ ये आते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यार कैसे रहते हैं पता नहीं, उनके कुछ बोलते नहीं, टाइगर आते नहीं, वैसे बोलते हैं टाइगर, कहीं बोलते रहते ना आदमी, उनके पास टाइगर वगैरह जो भी मतलब जंगली जानवर आते नहीं है, भालू के अलावा, भालू आ जाता है, लेकिन भालू यहाँ नहीं है। महाराज जी से गप्पे मारेंगे आज, गप्पे तो नहीं होती है वैसे, महाराज जी से तो ज्ञान की बातें होती है ना। चलो महाराज जी से मिलते हैं पहले। जय श्री राम महाराज जी। पीछे हिरण था, पता नहीं क्या था, हम तो डर गए थे, आवाज आई जोर से। हमने सोचा महाराज जी अब क्या होगा, टाइगर फुल रहते हैं। नहीं वो अब जा सुकून है। अरे वाह नारियल वाले गाइस, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे सुबह आपको बढ़िया से व्यू देंगे। फाइनली हम पहुँच गए हैं महात्मा जी के यहाँ, अब टेंशन नहीं है। तो फाइनली गाइस महाराज जी की कुटिया में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे चाय वाय पी है महाराज जी के पास में, पूरा थकान उतर गया। और अभी महाराज जी के पास मैं दिखाता हूँ पहले आपको, महाराज जी के यहाँ देखो ये पड़े पोवा बोलते हैं महाराज जी इनको, पोवा खीर बाटा चूरमा और अचार, मतलब सब तैयार पड़ा है। पूरा थकान उतर गया, अब खाना खाते हैं फिर मिलते हैं, और महाराज जी से सुबह आप सुबह पूरा बात कराएंगे, ये हमारे महाराज जी हैं। ठीक है विक्रम, बढ़िया खाना बनाना नहीं पड़ा, बालाजी महाराज ने पूरी कृपा कर दी। ठीक है सुबह बनाएंगे अपने वाला खाना, महाराज जी को खिलाएंगे, बढ़िया बना के खिलाएंगे। थोड़ा अचार भी ताजा ही बना है जो। गाइस यहाँ पे हनुमान बाबा का थान, और इधर हम सर कर लेंगे और इधर कर लेंगे पैर। तो हनुमान बाबा की शरण में आज करेंगे कैंपिंग, पहाड़ के ऊपर पूरा पठार ही पठार है, तो अभी वहां करते हैं कैंपिंग। तो हमने कर लिया है, क्या करेंगे, खाना हमने महाराज जी के पास खा लिया, तो अभी सोते हैं, मजे करते हैं, मिलते हैं कल। कल दिखाएंगे पूरे पहाड़ और साइड के गांव, अभी तो लाइटें दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, महाराज जी से भी मिलाएंगे और किला भी दिखाएंगे, फोर्ट टोडर है, इसी का फोर्ट है। तो ठीक है आज का व्लॉग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।
जंगल गए ना, कांपने लग गए हम तो। अब पता नहीं वापिस आए ना आए, बजरंगबली से आए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज सुन रही है गाइस, आवाज सुन रही है, वो ऐसे का मतलब अजीब सी आवाज कर रहा है। Yeah.